हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं होने दूंगा मैं। आए बड़े। ओ। जय पावा पकड़ बम। जी पापा, आज बाबा जी मोहल्ले में आ रहे हैं। जैसे ही आते हैं ना, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। ओके पापा, बाय। हाय कपू। जय पापा पकड़ बम। तुम भी इसकी भक्त हो? मैं क्या, मेरा पूरा खानदान, मेरे मम्मी पापा बाबा जी के ढेरे में ही मिले थे। इनफैक्ट चाचा चाची और दादा दादी भी। ये बाबा ने डेरा खोला कि कैफे है, सारे जोड़े उधर ही मिलते हैं। लॉर्ड कपिल, यू आर सो विटी एंड यू आर सो स्वीटी। लेट्स मेक ए टीटू का मीटू की कुटकुटी स्वीटी। इसका क्या मतलब हुआ? इतना भी नहीं समझती? तभी तुम्हारे जैसी लड़कियां रात को टेडी बियर को हक करके सोती हैं। फिर बोलती है व्हाई आई एम सिंगल, बातें तो समझती नहीं हो। मैं सिंगल इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं उसी लड़के को डेट करूंगी जो बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त होगा। पगड़ बम की जय, बाबा पगड़ बम की जय। पप्पू, आप भी बाबा जी के भक्त हैं? भक्त? ये क्या कह दिया तुमने? ये सारा अरेंजमेंट मैंने तो किया है। मेरे कोई चाचा की सुहागरात थोड़ी है। मतलब आप भी बाबा जी का ध्यान करते हैं? ध्यान तो मैं इतना करता हूँ कि कभी कभी बाबा जी जब ध्यान करते ना, उनके ध्यान में मैं आ जाता हूँ। हाँ, तो ध्यान ध्यान टकरा जाते हैं। कई बार तो बाबा जी मुझे खुद बोलते हैं, बेटा ध्यान से ऐसा। वाओ, आप बाबा जी को कब से जानते हैं? अभी से। अभी से मतलब? तभी से जब बाबा जी इतने से थे। लेकिन बाबा जी तो आपसे उम्र में काफी बड़े हैं। जब वो खड़े होते हैं तब वो बड़े लगते हैं, जब वो ऐसे तपस्या में बैठे रहते हैं तो फिर इतने से दिखते हैं ना, उस हिसाब से। हम दोनों एक ही बैच में तपस्या करते थे। मैं भी बाबा बन जाता, बस इतनी सी गलती की वजह से रह गया। क्या इतनी सी गलती? इतनी, मैंने एक लड़की को ऐसे कर दिया। वाह, पर ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब खूबसूरती की तारीफ करना तो बहुत अच्छी बात है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने उसको ऐसे किया, लड़की ने भी ऐसे कर दिया, तो वहीं पकड़े गए हम। बस मेरा प्यार अधूरा रह गया। गजल। ओह सो सैड। वो नहीं करते, जब कोई लड़का ब्रेकअप की स्टोरी सुनाए उसको गले लगाते हैं, उसको सहारा देते हैं, उसको रोने देते हैं जितना उसका मन करे। ओह माय गॉड, आज सुबह दो लड़कों ने मुझे अपनी ब्रेकअप की स्टोरी बताई थी, मैंने उन दोनों को हग ही नहीं किया। वो मर गए ट्रक के नीचे आके। जो तुम्हें अभी सुना रहा है उसको तुम गले लगने नहीं। ओके। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। बाबा बगड़ बम की जय। आइए बाबा विराजिए, बोलो बाबा बगड़ बम की जय। कुंवारे को पत्नी और पत्नी को संतान, अरे भूखे को खाना और बेघर को मकान, अंधे को आंखें और बहरे को कान, अरे जरूरतमंद को कपड़े और बेरोजगार को मकान। इधर आ, हम इलेक्शन में खड़े, इतने वादे कर रहे हैं। इन लोगों ने सचमुच मांग लिया तो बाबा कहाँ से देंगे? आइए आइए आइए। बाबा जी, मैंने आपके दर्शन कर लिए, मैं तो धन्य हो गई। Same here, darling. बाबा जी। Same here, बच्चा। Same here. कौन है ये नादान बालक? आप इनको नहीं जानते? ये तो आपके साथ तपस्या करते हैं। मैंने तो इनको पहली बार देखा है। अरे आप तपस्या कर रहे होते थे ना, आपकी आंखें बंद थी। हाँ। बगल में मैं भी तपस्या करके जाता था। अच्छा। हाँ। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे करके देखा था, तुम नहीं थे वहाँ पे। मैं इस तरफ बैठा था ना, आप उस तरफ ऐसे ऐसे कर रहे थे। तुमको क्या लगा मैंने ऐसे ऐसे भी किया था? हाँ, तो तब मेरे को लगा कि आप मुझे वहां ढूंढ रहे थे, मैं उधर चला गया ना। अरे यार, मैंने ऐसे ऐसे भी किया था। हाँ, तो फिर मैं तब तक पीछे चला गया था, आप आगे तपस्या कर रहे थे, मैं पीछे करके चला गया। तू क्या देखने के लिए आया इधर? आ बोल कुछ, बोल, सिर्फ फ्रूट खाता है तू, बोल कुछ। बोलो पापा पकड़ बंकी। ये तो कोई नहीं बोलेगा, दूसरा कुछ बोल। ये पापा, 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 ये पापा,
बेटा नारियल में से इतना पानी नहीं निकला जितना बाबा का पसीना निकला। इतनी श्रद्धा ठीक नहीं कि बाबा को श्रद्धांजलि देनी पड़े। थोड़ा प्यार से बेटा, थोड़ा प्यार से। सॉरी सॉरी बाबा, बाबा जरा अपनी कृपा दृष्टि हमारे मोहल्ले पे डालिए ना। अबे कैसे डालेंगे कृपा दृष्टि, तू बीच में खड़ी है। लेकिन तुम हो कौन? हम दुखियारन हैं बाबू। दुखियारन नहीं बाबा जी, भुखियारन है। परसों शादी में गई, दूल्हे की चप्पल खा गई है। हैं कुछ भी बोल रहे हैं बाबा, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम जानते हैं तुम हो गुड़िया लॉन्ड्री वाली। जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे तुम्हारा धंधा नहीं। क्या हुआ बाबा? बाबा आप अंतर्यामी हैं। अबे अंतर्यामी काहे के, सोनी टीवी पे देखा है एपिसोड। और सोनी लीव पे रिपीट एपिसोड दिखा है, चार चार बार देखा है। सच्चाई तो यह है बाबा जी के हमारी शादी नहीं हो रही है। अरे 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 दीदी आप टेंशन मत लीजिए। खूबसूरत कहीं की लड़की की वजह से ऐसे लड़के हमारी तरफ देखते नहीं है। इसकी वजह से हमारी जैसी लड़की को आपके जैसे बाबा के पास आके हाथ जोड़ना पड़ता है। बाबा जी कुछ कीजिए, हमारी कुंडली देखिए, देखिए कुंडली में क्या क्या दोष है। बेटा तुम्हारी कुंडली तो निर्दोष है। हाँ? दोष तो तुम में है। लेकिन इसका उपाय है चेला, उपाय बताओ। जी बाबा जी, जी बाबा जी सुनो। देखो चांदनी रात में काले सांड की काली पूंछ में से सफेद बाल निकालना है और सफेद कुत्ते की काली पूंछ में जाकर उसको फिट कर देना है, काम हो जाएगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है? हाँ दूसरा उपाय है। हाँ क्या क्या? तुमको 3 घंटा भूखा रहना है। नहीं पर ये वाला ठीक है। ये वाला उपाय ठीक है, हम कर लेंगे। तुम सांड कुत्ता सफेद काला बाल पूंछ, हम समझ गए, हम समझ गए, हम कर लेंगे, हम करके आते हैं। अब बताओ और किसे क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। बाबा जी मुझे कोई कॉफी भी नहीं लेकर जाता। और मैं कॉफी पीने जाता हूँ, 2 कप लेता हूँ, अकेला पी के आ जाता हूँ। ये प्रॉब्लम चल रही है। बच्चा मुझे लगता है तुम अपनी समस्या नहीं इसकी समस्या का समाधान बता रहे हो। दोनों आपस में मिल जाओ। आ जाओ भाई। क्या कर रहे हो बाबा जी? हाँ? ये पहले से पता है बाबा जी को, सब पता है। अभी तो बाबा जी ने जब बोल दिया कि हम दोनों की जोड़ी क्यूट लगती है, हम दोनों अच्छे लगते हैं, हमारे कपड़े मैच कर रहे हैं, तो शादी क्यों नहीं हो हमारी? एक मिनट बाबा जी ने तो सिर्फ मिलने के लिए कहा है। हाँ तो जब मिलेंगे बातें करेंगे कॉफी पियेंगे, प्यार होगा, शादी होगी। कॉफी के पैसे बेकार जाने दूंगा मैं। बाबा जी आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए। हम ही आपको इस मोहल्ले में बुलाए हैं। अच्छा हमको बुला के तुम इतनी देर से आई, ये तो भला हो उन 2 प्रेम पंछियों का, वरना हम बोर हो जाते। कौन से 2 प्रेम पंछियों का बाबा? ये दोनों। हाँ बाबा ये पंछी है लेकिन इस घोंसले का, आज उड़ के किसी और घोंसले बैठा हुआ है। अरे यार ये क्या घोंसला लगा रखा है, ऐसा तो मेरे बाबा जी के दिमाग का घोंसला हो जाएगा। बताओ। बाबा दरअसल बात ये है कि मैं हूँ इनकी पत्नी, ये है मेरे पति, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है तो ये भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ। ये मेरे पति है ये। बेटा तुम्हारे लिए ये समस्या है, उनके लिए तो उपाय है। कैसे मैनेज करते हो बच्चा? ये सब झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरी याददाश्त चलेगी उस चीज का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। तुम्हें देख के लग रहा है कि ये फायदा नहीं उठा रहे, उल्टा तुम उठा रहे हो। ए पापा जी आप ही हमारे सहारा हैं, हम सही कह रहे हैं। या तो इसको याद दिला दीजिए या तो इसको थोड़ा खूबसूरत बना दीजिए। मम्मी हाँ तो क्या करें, मम्मी का कर रही हो? हुस्न की परी होती तो ये परिंदा उधर दाना नहीं डाल रहा होता। कपू जी आपने कब दाना डाला, मैंने तो नहीं देखा। वाह बच्चा हमें लगा था कि एक प्यासा कहुआ मटके में कंकड़ डालकर पानी पीने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तो मटका खुद बोतल भर के पानी पिला रहा है। तुम्हारा
ये देखो प्यासे कौवे की बात चल रही थी, चलाक लोमड़ी आ गई। अरे ये चलाक लोमड़ी नहीं, ये मेरी लोमड़ी है। हमारे पति सुंदर दास पहाड़ों से जड़ी बूटी लाते हैं। वो कहावत सुनी आपने, खुदा बाहर निकली चुहिया, उसी चुहिया के पिताजी हैं ये। ए दमा जी उनको छोड़िए, आप बाबा जी का पैर पकड़िए, आशीर्वाद लीजिए, कहा पता आपको हमारी बिटिया याद आ जाए। मैं नहीं मानता ये ढोंग को। ना ये ढोंग को मानते हैं, ना बीबी को मानते हैं, तो किसे मानते हैं? तो ठीक है मैं ढोंग को मान लूंगा, इसको मैं बीबी नहीं मानूंगा। बाबा हम उपाय करके आए हैं, वो जो था वो सांड मान नहीं रहा था, सांड को पूरा ऐसा पकड़ के दो धोबी पछाड़ ऐसा दिया है, अपने हाथ से अपने पूंछ का बाल निकाल के दिया उसने। हाँ। हमारी अब शादी तो हो जाएगी ना बाबा? बेटा जैसे तुम हो उसी सांड को पूछ लेती। बाबा पकड़ बम की जय। देखिए जब इनकी प्रॉब्लम का हल हो चुका है तो अब उनकी याददाश्त वापस ली जाएगी। आइए। ठीक है लेडीज इस तरफ आ जाओ। हाँ, चलो यहाँ हम लोगों का पिछला जन्म याद दिला देते हैं, इसको तो सिर्फ बीवी याद दिलानी है, अभी कर देते हैं। खुद को याद है सुबह क्या खाया था? सब कुछ याद है। ये लॉकेट देखो, अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रही हो। मैं खड़ा खड़ा सो रहा हूँ, घोड़े का बच्चा हूँ। बीच में मत बोलो, हिप्नोटाइज कैसे करूँगा? तुम सो रहे हो। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? ओ यार सो जाओ ना यार। तुम सो रहे हो, सब्जी में टिंडे और फलों में कीवी, याद करो यही है तुम्हारी बीवी। सब्जी में टिंडे फलों में कीवी, याद करो यही है हमारी बीवी। और एक बार, सब्जी में टिंडे फलों में कीवी, याद करो यही है हमारी बीवी। अब आंखें खोलो और अपनी पत्नी को गले लगाओ। मैं कैसे भूल गया अपनी बीवी को, कितना चंडाल हूं मैं, कैसे भूल गया इतनी खूबसूरत बीवी को। बाबा जी ये क्या कर दिया आपने? मैंने क्या किया? एक मिनट। ए जी आप इसको काहे टुकुर टुकुर ऐसा घूर के देख रहे हैं? आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया बहन जी? मैं तो अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। आई लव यू डार्लिंग, कम ऑन माय डियर। मुझे सब कुछ याद आ गया है, तुम मेरी मैना और मैं तुम्हारा प्यारा तोता। बंद करो ये सब, क्या चल रहा है ये? मेरा दिल काम कर रहा है ये तोता होता। ए बाबा जी हम आपको बुलाए थे कि हमारी बेटी का घर बसा देंगे, आप तो मेरा ही घर उजाड़ दिए। अरे हम उजाड़ नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अब तो आप गए। अरे माता बाबा, ए भैया बाबा कहाँ गए? बाबा ये तो नकली बाल है। ये तो वही वाला बाबा है। अरे नहीं, अरे बाबा तो नकली है लेकिन असर कैसे असली हो गया वही हम। शर्मा जी आप नाटक कर रहे थे? नहीं मैं तो एंजॉय कर रहा था। तो तुम क्या कर रहे थे जी? रूपमती वो तो दामाद जी मजाक कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा झूठ मूठ का खेल लूं। आप यहाँ हमारे इमोशन से खेल रहे थे? अबे लुखे हकीम, अब हम तुमको मजा चखाते हैं। खेल रहे चलो आप बचाने आओ, हट हट चलो मैं तुम्हें बचाने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.